लच्छेदार मसाला पराठा, ये है हमारी आज की रेसिपी। पराठा इंडियन किचन्स में बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी है और इसे बहुत से तरीकों से बनाया जाता है, बट आज हम इसे बहुत ही अलग और टेस्टी तरीके से बनाने वाले हैं, जिसमें होगी बहुत सारी लेयर्स और वो भी बहुत से मसालों के अमेजिंग फ्लेवर्स के साथ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठे के लिए हम आटा तैयार कर लेंगे। एक मिक्सिंग बोल में यहाँ हमने लिया है करीब 250 ग्राम आटा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, और फिर मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे करीब 3 से 4 टेबलस्पून तेल। इसे अच्छे से आटे में मसल लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक सेमी स्टिफ डो रेडी कर लेंगे। आटे को अच्छे से मसलते हुए गूथ लेंगे और अब इसे डैम्प क्लोथ से ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और अब हम पराठे के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बोल में लिया है 1/2 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे नमक करीब 1/4 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हरा धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा, और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके करीब 3 से 4 टेबलस्पून तेल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, एक स्टिकी पेस्ट की तरह। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इस बेसन की चाहिए। मसाला तैयार हो गया है तो अब हम पराठा रेडी करेंगे। आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे और एक बॉल साइज पोर्शन लेकर इसे रोल कर लेंगे। थोड़े से आटे से डस्ट करके इसे एक बड़ी चपाती की तरह रोल कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे पतला पतला रोल कर लिया है। इस पे थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे और अब तैयार किए हुए मसाले को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे जिससे ये स्टिक ना हो। अब लच्छा पराठा बनाने के लिए एक नाइफ की हेल्प से हम इसे पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और इस तरह से एक कॉर्नर से रोल करते जाएंगे। और अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए फिर से हम रोल करके इसका बॉल रेडी कर लेंगे। जेंटली इसे प्रेस करके थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे फिर से पराठे में रोल कर लेंगे। और ये पराठा अब रोस्ट होने के लिए रेडी है। तवे पे थोड़ा सा घी लगाकर हम पराठे को इस पे डाल लेंगे। थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे और अब दोनों तरफ से घी या फिर ऑयल लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। और ये देखिए एक तरफ से पराठा बढ़िया सेक चुका है, इसे हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और ये हमारा क्रिस्पी और फ्लेकी मसाला लच्छा पराठा एकदम तैयार है। इसे आप अचार या फिर रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो देर किस बात की, जल्दी से बना लीजिए ये मज़ेदार और टेस्टी पराठे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।